गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कल मैंने इस पेंटिंग को ब्लॉकिंग करा था, ड्राइंग करा था, आज मैं इसको कलर करूँगा। तो कलर कितना हो पाता है वो तो खैर देखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे जो पीछे हमें दिख रहा है, जो सबसे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो है स्काई। तो मैं स्काई से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने जो कलर लिया है पैथेलो ब्लू, और मैं इसको व्हाइट के वो जो इफेक्ट है थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ भी बढ़ जाता है, मतलब ऑरेंज थोड़ा सा रेड है ना। रेड तो मैंने खैर यूज़ नहीं करा है, मैंने ऑरेंज यूज़ करा है। सोच रहे होंगे कि मैंने इस पूरे पे कलर क्यों कर दिया, मतलब मैंने इस वाले पार्ट में भी कलर क्यों कर दिया। तो पता है होता क्या है, जब मान लो यहाँ पर पेड़ बनना है ना, तो पेड़ की जब पत्तियाँ ऊपर से आएंगी ना, तो पीछे से जो है स्काई जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा आगे की तरफ। इसीलिए पहले सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड से स्टार्ट करा है काम। ये देखो जी, ऐसा लग रहा है अभी इसी, मुझे वाइब्रेंसी की कमी लग रही है, मतलब थोड़ी सी लाइट और होनी चाहिए स्काई के अंदर। देखता हूँ मैं डालता हूँ। मैं वैसे जो मैंने कलर डाले ना, ये शाम के लिए मेरे को एक फील तो दे रहे हैं, लेकिन मेरे को ना कुछ बादल, थोड़ी सी वाइब्रेंसी होनी चाहिए। मतलब मैं अपने काम में पर्सनली चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ ऐसे मज़ा सा आना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में, क्योंकि मेरे लिए बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना कुछ बादल दिखा दिए वाइट कलर के, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रश लिया है, इसको हम बोलते हैं फैन ब्रश, और ये है हॉग क्वालिटी, ठीक है, हॉग ब्रश, फैन ब्रश है ये। और मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, दूर के जो पेड़ होते हैं ना, जो ब्लर एक इफेक्ट आना चाहिए, मैं कुछ उस तरीके के पेड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये पूरा काम जो है इमेजिनेशन से हो रहा है, तो कोई भी रेफरेंस नहीं है मेरे पास में, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ भी है मेरे लिए, और एक कह सकते हैं कि बुरी चीज़ भी है, क्योंकि अगर सामने इमेज होती है ना, तो उसको कॉपी करना, उसको देख देख के थोड़ा सा वो करना, वो ईज़िली हो जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ कलर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें है सैप ग्रीन, वर्मिलियन रेड, बर्नसियाना वाइट एंड कैडमियम येलो। तो अभी येलो तो खैर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ ये जो है ग्रीन वाइट बनसियाना का यूज़ कर रहा हूँ, और वाइट की क्वांटिटी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ जब मैं दूर के पेड़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं एक डेप्थ वाले कलर लगा रहा हूँ, बनसियाना ब्लू से मैं डेप्थ लगाता हूँ, ठीक है। और लाइट के लिए ग्रीन, और फिर बाद में येलो, ये येलो जब लगाऊंगा तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, मैं जो है पत्थर की जो क्वालिटी है उसको निकाल रहा हूँ, और हर जगह पत्थर एक जैसे मेरे को डिटेल में नहीं बनाने हैं। खासकर देखो वहाँ पे पानी है, फोकस जा रहा है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा सा पत्थरों में जो है डिटेल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो मैंने किस तरीके से ऑकर और वाइट से मैं इसकी जो है लाइट निकाल रहा हूँ। मतलब इमेजिनेशन में ना करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन थोड़ी बहुत करेक्शन भी करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी ये जितना भी मैंने काम करा ना, ये सारा मैंने कराया हॉग ब्रश से, ठीक है। ये देखो मैं अपना हॉग ब्रश दिखाता हूँ, ये मेरा हॉग ब्रश। हॉग ब्रश का ना बहुत हार्ड होता है, और जब हम इसको चलाते हैं ना, तो बहुत रफ टेक्सचर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ टेक्सचर, ये देखो ये जो टेक्सचर है ना, ये दूर से बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। देखो दूर से देखो कैसा लग रहा है। ये नहीं कहूँगा कि अभी ये कम्प्लीट है, इसके अंदर भी बहुत सारा काम बाकी है। हालाँकि जो है जो भी मैं बना रहा हूँ ये बहुत डिस्टेंस पर है, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। अभी बहुत डार्क है, इसके अंदर कुछ मुझे लाइट जो है निकालनी है अभी। तो जो इस गणेश जी के सर के जो ऊपर जो मैंने पेड़ बनाया था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, अननेसेसरी। तो मैंने इसके ऊपर ना देखो एक लेयर चढ़ा दिया। अब उस लेयर को चढ़ाने से क्या होगा, वो पेड़ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला जाएगा, बहुत दूर वाला एक इफेक्ट आएगा उसमें, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी काम करूँगा, अभी इसके ऊपर मैं फिर से काम करूँगा, तो जो पेड़ है वो डिटेल में आएगा, और जो पीछे जो लेयर गई है वो कहीं ना कहीं एक ब्लर इफेक्ट देगा। तो एक्रिलिक कलर में ये चीज़ें फटाफट हो जाती हैं, और बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट आता है वहाँ से, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाई देखो, लोग जब लोग पूछते हैं ना कि कौन सा मीडियम अच्छा है, तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो भाई, दोनों मीडियम की अपनी अपनी खास बात है। एक्रिलिक में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ कुछ जो है डिटेल कर रहा हूँ, जैसे कुछ पत्थर निकाल दिए, ठीक है ना, कुछ किसी पत्थर मैंने डिटेल कर दी है। ये पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, मैंने अभी जो बनाए हैं, इसके ऊपर भी मैं पेड़ बनाऊंगा। जैसे देखो मैंने ऊपर थोड़ा सा पेड़ ले गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही मैं सबसे पहले डेप्थ लगाऊंगा डार्क कलर से। तो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें पर्शियन ब्लू हो गया, बनसियाना हो गया, ठीक है, और फिर लाइट के लिए ग्रीन हो गया, येलो हो गया, इन सबको निकालना है। लेकिन क्या है ना, काम में एक इम्प्रेशन रखना है, एक एक पत्तियाँ नहीं बनाने बैठ जाना है वहाँ पर। जैसे देखो मैं यहाँ पर ट्रंक्स बना रहा हूँ, दूर पे जो तने हैं उसको बनाया मैंने डार्क कलर डाल के, बस हल्की हल्की पतली सी एक लाइट निकाल दी किसी कहीं कहीं पर। तो ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर, एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्प्रेशन। हम इसीलिए बोलते हैं कि इम्प्रेशन में जो दूर की चीज़ें हैं ना, उनको उतना ही डिटेल करो जितने ज़रूरी है। डिटेल देखो यार, देखो जितनी डिटेल ऐसे दिखती है ना, कि कितना डिटेल दिया होगा, है ना। दूर से देखो ऐसा लगता है पूरा जंगल जंगल सा दिख रहा है, लेकिन पास से नहीं, जंगल के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। ये देखो
कुछ नहीं है, सिर्फ कलर के इम्प्रेशन है, डार्क मीडियम लाइट जैसे मैंने बताया। ऐसे इसमें भी देखो एक एक बूंद को भी बनाने की जरूरत नहीं है, पानी एक एक लहरें बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रोक्स उसमें ही काम हो जाता है। अभी देखो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे पानी गिरता है तो थोड़ा ऐसे ऐसे होता है ना, तो मैंने थोड़ा ब्रश को भी उसी तरीके से चलाया है, देखो कैसा इफेक्ट आ रहा है। बताओ जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, जिस तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग कितना समझ पाते हो, कितना सीख पाते होगे, लेकिन मेरी जो विलिंगनेस है, जो मेरा एक विजन है ना, वो यही है कि मैं खुद भी मेरा भी काम हो जाए और मैं जो बताता हूँ, जो जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से आप भी थोड़ा सा सीख लो, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।